हाल ही में अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के वैज्ञानिकों ने उत्तर पूर्व चीन में 1 लाख साल के अंदर का दुनिया का सबसे बड़ा क्रेटर खोजा है। चीन में खोजा गया ये दूसरा इम्पैक्ट क्रेटर है। क्रेटर क्या होता है, ये कितने प्रकार का होता है और हाल में खोजे गए इस नए क्रेटर की क्या क्या खासियत है, जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के न्यूज़ दिस आवर में। अभिवादन और स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में। मैं हूँ केसरी पांडे और आप देख रहे हैं धीए टीवी। क्रेटर किसी खगोलीय वस्तु पर एक गोल या लगभग गोल आकार के गड्ढे को कहते हैं जो किसी विस्फोटक ढंग से बना हो। ये ज्वालामुखी के फटने से बन सकता है, अंतरिक्ष से गिरे उल्कापिंड के प्रहार से बन सकता है, या फिर जमीन के अंदर किसी अन्य विस्फोट के जरिए भी इसका निर्माण हो सकता है। क्रेटर कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि पहला प्रहार क्रेटर, जो एक छोटी वस्तु का किसी बड़ी वस्तु से बहुत ऊँची रफ्तार से टकराने पर बन जाता है। उदाहरण के तौर पर एस्टेराइड या उल्कापिंड के टकराने से प्रहार क्रेटर का निर्माण होता है। दूसरा है ज्वालामुखीय क्रेटर, जो ज्वालामुखीय विस्फोटों से बनता है। तीसरा है धंसाव क्रेटर, जो जमीन के नीचे किसी विस्फोट जैसे कि परमाणु परीक्षण आदि से बनता है, इसमें जमीन नीचे की ओर धंस जाती है। चौथा है मार क्रेटर, जो खोलते हुए लावा में पानी मिल जाने पर हुए विस्फोट से बनता है। पांचवा है बिल क्रेटर, जो ज़मीन के नीचे खाली स्थान या गुफा के ऊपर की छत गिर जाने से बनता है। छठा है विस्फोट क्रेटर, जो ज़मीन के नीचे हुए विस्फोट से मलबा बाहर की ओर फेंके जाने पर बनता है, यानी इसमें ज़मीन नीचे की ओर नहीं धंसती। चीन में जिस नए क्रेटर का पता चला है उसका नाम है इलान क्रेटर। ये क्रेटर करीब 1 लाख साल के अंदर बना था। ये चीन के तटीय प्रांत लियाओनिंग के शियुयान काउंटी में है। करीब 1.85 किलोमीटर व्यास वाला ये क्रेटर जिंगान पहाड़ के निचले हिस्से में बना है। रेडियो कार्बन डेटिंग से पता चला है कि इसका निर्माण करीब 46,000 से 53,000 साल के बीच हुआ है। यहाँ मौजूद चारकोल और अन्य जैविक पदार्थों की जांच से ये पता चला है। इस क्रेटर को लेकर जो भी अध्ययन किया गया है उसे मेटियोरिटिक्स एंड प्लेनेटरी नाम के साइंस जर्नल में प्रकाशित किया गया है। इलान क्रेटर का दक्षिणी हिस्सा गायब है, जिसकी वजह से यह चांद के आकार का दिखता है। ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ होगा जिसने गड्ढे की दीवार को तोड़ दिया। विशेषज्ञों का मानना है कि चांद की तरह दिखने वाले इस क्रेटर का निर्माण किसी एस्टेराइड या उल्कापिंड के टकराने से हुआ होगा। अभी तक 1 लाख साल के अंदर बने सबसे बड़े क्रेटर का रिकॉर्ड अमेरिका के एरिजोना स्थित मिटियोर क्रेटर के नाम था। यह 49,000 से 50,000 साल के बीच बना था। इसका व्यास 1.2 किलोमीटर था। इसके अलावा चीन में जियुयान नाम का एक और क्रेटर है जो 1.8 किलोमीटर व्यास का है, लेकिन अभी तक इसकी उम्र का पता नहीं लगाया जा सका है। आपको बता दें कि पृथ्वी पर मौजूद अब तक लगभग 190 क्रेटर्स के बारे में पता लगाया जा चुका है, जिन्हें वैज्ञानिकों ने उम्र के आधार पर बांट रखा है। दक्षिण अफ्रीका के फ्री स्टेट में मौजूद करीब 200 करोड़ साल पुराना व्रिदेफोर्ड क्रेटर दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पुराना क्रेटर है। इसका व्यास करीब 380 किलोमीटर का है। यूनेस्को ने इसे साल 2005 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया था। तो ये थी बात इलान क्रेटर की और अब बारी है आज के सवाल की। आपको कमेंट करके बताना है कि भारत का सबसे बड़ा क्रेटर कौन सा है। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। नमस्कार।